देखिए, बहुत कुछ हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, होमगार्ड जवानों के लिए बहुत कुछ व्यवस्थित कार्य हुए हैं। अगर बात करें तो उनका 17 की सरकार से पहले 300 रुपये मिलते थे, ड्यूटी नहीं मिलती थी। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने पहले 500 रुपये किया, फिर 600 किया, उसके साथ फिर महंगाई भत्ता जोड़ा, उनका ट्रेनिंग भत्ता बढ़ाया है, जो पहले 260 रुपये मिलता था उसको पूरा दैनिक भत्ते के बराबर कर दिया है। वर्दी भत्ता उनका सीधा ऑनलाइन उनके खाते में जाता है, ड्यूटी उनकी ऑनलाइन लगती है, सारा उनका दैनिक भत्ता ऑनलाइन की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था ऑनलाइन हमने होमगार्ड जवानों की पारदर्शी से की है। और होमगार्ड विभाग बहुत आगे बढ़ा है और आमजन में स्वीकारता भी बढ़ी है। अब हमारे पास होमगार्ड जवानों के लिए एक भी दिन ऐसा नहीं है कि वो घर बैठे हों, नित्य निरंतर हमारे पास काम है और नित्य निरंतर उनकी ड्यूटी लगती है। क्या कुछ जैसे भर्ती को लेकर अभी कुछ होमगार्ड विभाग जैसे कम है और कुछ डिमांड करेंगे कि भर्ती किए जाए होमगार्ड? वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री से हम चर्चा कर चुके हैं, जैसा उनका आगे निर्णय होगा हम लोग कदम आगे बढ़ाएंगे। बाबा साहब का पुण्यतिथि है इस पर क्या? हम लोगों ने सबने अभी बाबा साहब के परिणाम दिवस पर यहाँ एक कार्यक्रम किया है और सभी ने हमारे होमगार्ड विभाग के अधिकारियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। होमगार्ड के बासठवां स्थापना दिवस को होमगार्ड मुख्यालय पर पहुंचे और यहां पर कार्य करने वाले काम किए हैं और उचित ने प्रशस्ति पत्र दिया है और बासठवां दिवस मनाया जिस पर मेरे साथ होमगार्ड जवान क्या 1962 में इस संगठन का गठन हुआ था केंद्र सरकार द्वारा। विशेष परिस्थितियों में जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया था तो देश में जनता को भी ऐसे आक्रमण से बचाव के लिए उसको रेसिस्टेंस क्रिएट करने के लिए बना हुआ था। आज 61 वर्ष पूर्व करके आप 62वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और पूरे संगठन उत्तर प्रदेश का संगठन पूरे देश का सबसे बड़ा संगठन है और सबसे सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है। हम चाहे इलेक्शन ड्यूटी हो या सामाजिक सरोकार के जितने काम हो या शांति व्यवस्था हो, कानूनी व्यवस्था हो, सभी में लगातार हमारा संगठन काम कर रहा है। हमारे होमगार्ड के जवान नित नए चौराहों पे, इसके साथ साथ यूपी 112 के साथ आपात व्यवस्था में, इलेक्शन व्यवस्था में रहते हैं। इसे देखा जाता है कि इनके चौराहे पे पुलिस नहीं होती है, ट्रैफिक व्यवस्था नहीं रहती है, सिर्फ होमगार्ड जवान ड्यूटी करते हैं। नहीं नहीं, हाँ, पुलिस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, हम संपूरक बल की तरह से जाने जाते हैं, पुलिस व्यवस्था के साथ जानते हैं और अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा के साथ करते हैं।